हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट। मैं हूं डॉक्टर नीरज महाजन, आपका पीडियाट्रिशियन। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, गर्मियां अपने पीक पर हैं और बच्चों को स्कूल्स में छुट्टियां हो चुकी हैं, तो ऐसे में वे सारा दिन आपसे कुछ ना कुछ खाने और पीने की डिमांड करते ही रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने बच्चों को इस गर्मी के मौसम में क्या खाने के लिए और क्या पीने के लिए दे सकते हैं, जो कि हेल्दी भी हो, न्यूट्रिशियस भी हो और साथ में उन्हें इस गर्मी के मौसम में हाइड्रेटेड भी रखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद करवा दूं कि अगर आप हमारे चैनल अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट पर नए आए हैं तो प्लीज इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। गर्मियों में हाई टेम्परेचर और पसीने की वजह से बच्चों में डिहाइड्रेशन होने का डर रहता है, क्योंकि वे सारा दिन दौड़ भाग करते रहते हैं और खेलते रहते हैं, तो ऐसे में उन्हें पसीना भी ज़्यादा आता है और कहीं उन्हें डिहाइड्रेशन ना हो जाए। इसलिए उन्हें आप रोज़ाना सीजनल फ्रूट्स ज़रूर खिलाएं। इसमें आप उन्हें फ्रूट्स में आप मैंगो दे सकते हैं, खरबूजा दे सकते हैं, वाटरमेलन दे सकते हैं, अनार दे सकते हैं, केला दे सकते हैं और मौसमी भी दे सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि फ्रूट ज़्यादा ठंडे ना हो और कोई खट्टा फ्रूट ना हो। इसके अलावा उन्हें पीने के लिए भी सफिशियंट अमाउंट ऑफ लिक्विड्स चाहिए रोज़ाना। तो इसमें आप उन्हें घर की बनी हुई दही की लस्सी हो गई या छाछ हो गई, ये भी आप दे सकते हैं। ये उनके पेट को ठंडक पहुंचाएगी और उनके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देगी। इसके अलावा पूरे घर पे बना हुआ नींबू पानी का शरबत वो दे सकते हैं और कोकोनट वाटर पिला सकते हैं, इससे उनकी हाइड्रेशन ठीक रहेगी। और जो बच्चे छोटे हैं, कह लीजिए 6 मंथ ऑनवर्ड्स, जो अभी अभी कॉम्प्लीमेंट्री फीड पे आए हैं, तो उनको आप जब भी वह दिन में 2-3 टाइम मील्स लेते हैं अपना, तो उसके बाद उन्हें आप फ्यू सिप्स ऑफ वाटर भी दे सकते हैं। बस यही ध्यान रखना है कि पानी जो है वो बॉइल्ड या फिर फिल्टर वाला होना चाहिए, इससे उन्हें प्यास नहीं लगेगी और हाइड्रेशन लेवल उनका ठीक रहेगा। ये तो बात होगी पीने वाली चीजों की। अगर हम बात करें खाने वाली चीजों में, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें गर्मियों में बाहर का फूड अवॉइड करना है। अक्सर हर फैमिली में आजकल जैसा कि लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है, हफ्ते में 2 से 3 बार तो हम बाहर से चीजें मंगवा ही लेते हैं खाने वाली, चाहे वो कोई सब्जी हो, चाहे कोई चाइनीज आइटम हो या फिर कोई स्नैक्स कह लीजिए। तो हमें ये सब अवॉइड करना है, क्योंकि ये बहुत ही हैवी रहते हैं, इनके मिर्च जो मसाले हैं वो बहुत ही तेज होते हैं और हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। हमें गर्मियों में थोड़ी हल्की वाली सब्जियां खाने की जरूरत है, क्योंकि हम सारा दिन लिक्विड इंटेक इतना ज्यादा ले लेते हैं कि हम ऑलरेडी बहुत ही फुलनेस फील कर रहे होते हैं, और अगर हम ये हैवी वाली चीजें अगर कुछ खाते हैं तो उससे हमारे हेल्थ पे असर पड़ता है। तो हमें गर्मियों में जहां तक हो सके हल्की सब्जियां, जैसे कि तोरी की सब्जी, देन घी की सब्जी, लौकी की सब्जी, ये सब खाने की जरूरत है। इसके अलावा आप साथ में डेली दाल भी खाइए, और जहां तक हो सके लंच और डिनर में सैलेड जरूर खाएं, खुद भी और बच्चों को भी दीजिए। आप उन्हें खीरा दे सकते हैं, प्याज दे सकते हैं, साथ में टमाटर भी खा सकते हैं, इससे भी हाइड्रेशन ठीक रहती है। जो कह लें छोटे बच्चे हैं, 8 से 10 महीने की एज ग्रुप के, जो अभी अभी खाना पीना शुरू करते हैं, उन्हें आप कर्ड राइस दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, ये उनके पेट के लिए भी हल्का रहेगा और साथ में गर्मियों में होने वाले डायरिया से भी उन्हें बचाएगा। चलिए, ये तो बात होगी कि गर्मियों में क्या खाना है और क्या पीना है जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा है। अब बात करते हैं कि हमें गर्मियों में क्या चीजें अवॉइड करनी है। सबसे पहले तो हमें बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना। गर्मियों में उतनी ही क्वांटिटी में आप दाल और सब्जी बनाएं जितनी कि आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है, ताकि फालतू में वेस्टेज ना हो और हमें दोपहर का खाना रात पे ना बचाना पड़े, ताकि वो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो। इसके अलावा आपको बाहर का खाना अवॉइड करना है जहाँ तक हो सके। हमें स्पाइसी फूड नहीं खाना है। इसके अलावा जंक फूड अवॉइड करना चाहिए हमें गर्मियों में, और ऐसी चीज़ें जिनकी तासीर गर्म हो, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये सब हमें टोटली अवॉइड करने चाहिए। और हाँ, ये ध्यान रखिए, बच्चे जो कहीं हम बाहर घूमने जाते हैं तो बच्चे अक्सर डिमांड करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स पीने हैं या टेट्रा पैक्स जो होते हैं फ्रूट ड्रिंक्स के, फ्रूट जूसेस के, वो मिलते हैं, तो वो सब हमें अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि इन टेट्रा पैक्स में तो हार्डली 10% कह लीजिए फ्रूट जूस रहता है, बाकी सब तो मीठा पानी ही होता है, और ये हमारी सेहत के लिए अच्छे भी नहीं है।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे आज के इस वीडियो से कुछ यूजफुल टिप्स मिले होंगे और आपको पता चल गया होगा कि आपको अपनी फैमिली को और बच्चों को क्या खिलाना है और क्या नहीं देना है, खास करके जब आप कहीं आउटिंग पे जाते हैं, और क्या क्या हमें अवॉइड करना है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।